हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं OECD के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक, और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। इसमें 36 देश शामिल हैं, भारत इसमें नहीं है शामिल। ठीक है, अब इसके उद्देश्यों की बात करें तो विश्व के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करना। दूसरा, इसका उद्देश्य सरकारों को अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना। तीसरा उद्देश्य है इसका साझा समस्याओं का हल प्राप्त करना। OECD के फॉर्म की बात करें तो 2000 में उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की आर्थिक सामाजिक चुनौतियों के बारे में विमर्श करना। मई 2018 का आयोजन हुआ है। ठीक है, इसमें OECD के महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं तो अधिकांश सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था विकसित है। 2008 के वित्तीय संकट OECD के बैंस एरोजन एवं प्रॉफिट शिफ्टिंग कार्यक्रम अपनाया गया था। इसमें भारत भी शामिल था। आपको बता दें, यहाँ OECD ब्लैक लिस्ट जारी करता है टैक्स हेवन देशों की। ठीक है, इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ठीक, अगर इसके देशों की बात करें 36 देशों की, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, चिली के बाद चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, याद रखिए 36 देश हैं।